500 साल पहले के जो विचार थे वो मुगलों के थे, वो तो अपने भाई को भी काटते थे। डेली में 9:30-10 बजे से निकलता था और शाम को 6 बजे तक पैदल चलता था। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है मंदिर में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे आने वाले भक्तों को? जितने भी भक्त आ रहे हैं सभी भक्तों बिना डर के बिना संकोच के यहाँ आए, और 22 जनवरी को जो अफवाहें फैल रही है किसी कोई अफवाह नहीं है और बड़े ही सुरक्षा के साथ यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, और 22 जनवरी कोई एक तारीख नहीं है, ये ऐतिहासिक तारीख है और इतिहास बनाने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, और ये तारीख ऐतिहासिक है। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आज इस तारीख को देख पा रहे हैं और 500 सालों के बाद ये तारीख आई है, तो इस तारीख को बड़ा ही ऐतिहासिक सुंदर लाना है। सभी लोग अपने अपने घरों में जिस प्रकार दिवाली मनाते हैं वही एक दिवाली दोबारा मनानी है। जय श्री राम जी। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो उनका सौभाग्य है कि कई किलोमीटर चल करके पैदल चल करके आ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम भी 14 वर्षों जब वनवास गए तो पद यात्रा तो की है, तो वो भी भगवान राम के पद में चलकर भगवान राम तक पैदल आ रहे हैं, तो ये उनका जीवन भगवान की कृपा उन पर जो पैदल आ रहे हैं, और भगवान की कृपा से हम इतने धन्य हैं कि परमात्मा के इस कार्य में संलग्न है और हम सभी इस भूमि में आज के दिन इकट्ठा हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। जी मैं महेंद्र खोराल अहमदाबाद गुजरात से। 22 जनवरी को जश्न है मनाना, 22 जनवरी को जश्न है मनाना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना, फिर एक बार उस दिन दिवाली मनाना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों देख सकते हैं ये भाई साहब साइकिल से यात्रा करके प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम को आए हैं, तो कहां से आए हैं और इनका नाम क्या है? जय श्री राम, मैं हूं करण बिटाए, महाराष्ट्र वर्धा जिला से, और 950 किलोमीटर में 11 तारीख को निकला था, अब 950 किलोमीटर यहाँ प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अब पूरा हो गया है मेरा। मैं गांव से एक संदेशा लेके आया था प्रभु श्री राम जी के पास, जो देना चाहता हूँ, मतलब मेरी सदिच्छा है, जो निवेदन है जो मैं देना चाहता हूँ वो है पशुहत्य मुक्त भारत हो, प्रभु श्री राम जी के विचारों का भारत हो, समृद्ध भारत हो, शुद्ध शाकाहारी भारत हो। जो 500 साल पहले के जो विचार थे वो मुगलों के थे, अब उनके विचारों को खत्म किया जाए, वो तो अपने भाई को भी काटते थे लेकिन अब भाई को काटना बंद हो गया, लेकिन वो जो बेचारे पशु है उनको काटना चालू है, उनकी हत्या की जा रही है, तो बंद किया जाए, राम जी के विचारों का भारत बने, शाकाहारी भारत बने, समृद्ध बने, और जो यहाँ पे घर टूटे हैं, जो अतिक्रमण हुआ है, वो जो बड़े पैसे वाले रहते वो अतिक्रमण नहीं करते, जो गरीब लोग है वही अतिक्रमण करते। तो मेरा जो एक और संदेश है, जो सरकार से अपील है, क्या जो मंदिर के लिए मांगे थे 900 करोड़ मिले 3200 करोड़, तो उन 3200 में से उन्हें थोड़ा उनको भी घर दिया जाए, तो मेरे सरकार से अपील है। जय सियाराम। ये जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहिए, पूरे भारत में पहुँचना चाहिए, जो अच्छे काम करें उनका धन्यवाद और जो गलत काम करें उनका विरोध भी करेंगे, बहिष्कार करेंगे, द्वेष करेंगे, लेकिन मैं मतलब मेरा किसी पक्ष से संबंध नहीं है, मैं विपक्ष हूँ और मैं ऐसी संस्था में काम करता हूँ जो पशु है जो रास्ते पे पड़े होते हैं, पशु हो या इंसान, उनको हम उठा के लाते हैं, उनको ट्रीट करते वहीं पे छोड़ देते हैं, मतलब मेरा राजकारण से कोई संबंध नहीं, संबंध है अच्छे विचार, समाज सेवा और इस मंदिर से। सही बात, जी जी, क्या बात है। जय जय श्री राम। यहाँ पे एक और राम भक्त मिल चुके हैं जो कि पैदल आए हैं। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जय श्री राम। जय श्री राम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवजी पांडे है। और कहाँ से आप पैदल चल रहे? मैं कानपुर से पहुँचे, ये बताइए। मैं कानपुर से आया था, 9 तारीख को निकला हूँ कानपुर के 60 किलोमीटर पीछे से, और कल 11:45 पे मैं अयोध्या जी आ पहुँचा हूँ। यहाँ पे पैदल आना आपके लिए कैसा रहा वो बताइए, सफर कैसा रहा? सफर मेरा बहुत अच्छा रहा, जहाँ भी कोई दिक्कत होती थी तो वहाँ हमारे राम जी हमारा मतलब कल्याण करते
करते थे। क्या बात, आगे से आगे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पहले ही हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई हमें, ताकत मिली। जब भी हम टूटने की कोशिश हुई, मतलब टूटते गए, वैसे ही हमें ताकत मिलती गई हमारे राम जी से, और हम अपने लक्ष्य की ओर आते गए। आप लोग देख सकते हो कि कैसे मेरे छाले पड़े हुए हैं पैर में, बराबर में पैदल चल के आ रहा हूँ। अच्छा, आप पर डे कितना घंटा चलते थे? डेली मैं 9:30-10 बजे से निकलता था और शाम को 6 बजे तक पैदल चलता था बराबर। और आपका खाने पीने का शेड्यूल क्या था? खाने पीने का शाम को खाना खाते थे, सुबह चाय नाश्ता करके निकलते थे, क्योंकि शाम को खाना होता था, क्योंकि सुबह अगर खा लेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। मतलब सुबह में आप खाना नहीं खाते? ना, खाना नहीं खाते थे, सीधे ऐसे ही चलते रहते थे। और एक दिन में 30-35 किलोमीटर हमें चलना होता था। क्या बात है जी। तो भाई समझ सकते हैं, कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। भाई साहब बोल रहे हैं कि एक टाइम केवल शाम में ही खाते थे जी, शाम का शाम खाना खाते। ये प्रभु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।